चलिए दोस्तों चालू करते हैं और एक वीडियो एंड इट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। मैं बताने वाला हूं आपको सबसे अच्छे फ्लैगशिप मेरे हिसाब से, दीज आर माय पिक्स ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 40,000। इसका मतलब आपको एक फ्लैगशिप लेवल का स्मार्टफोन चाहिए, 40,000 के नीचे, 40,000 आपका बजट है तो आपने कौन से फोन्स लेने चाहिए। जी हाँ, वंस द क्वारंटाइन इज ओवर सब फ्लिपकार्ट अमेजॉन सब चालू हो जाएंगे, इसलिए लिंक्स भी मैं नीचे देने वाला हूँ। लेकिन ज़रूर बताइएगा दोस्तों, ये वीडियो पूरा देखिए और बताइए डू यू अग्री विथ माय रैंकिंग और नॉट, देखते रहिए। लेकिन दोस्तों उसके पहले अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन बजाइए ऑल कीजिए ताकि हमारे वीडियो के सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। दोस्तों जो लिस्ट हमने बनाई हुई है बहुत रिसर्च करके बनाई हुई है, देर आर सर्टन स्पेसिफिक्स जिसके नीचे ये फोन नहीं होना चाहिए। एक तो कम से कम इसमें 855 का प्रोसेसर होना चाहिए, UFS 3.0 होना चाहिए, फास्ट चार्जिंग होना चाहिए एंड 48 या 64 मेगापिक्सल का कैमरा होना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक क्राइटेरिया है, उसके नीचे कोई भी फोन इस लिस्ट में आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों पांचवें नंबर पे याद रखिए, पांचवें नंबर का फोन पहले बताने वाला हूं, सबसे पहले नंबर का लास्ट में बताने वाला हूं। और पांचवें नंबर पे हमारी लिस्ट में आता है OnePlus 7T। 6.55 इंच की सुपर एमोलेड स्क्रीन है, बहुत अच्छा है, दिखने को भी बहुत अच्छा है दोस्तों। 855 प्लस प्रोसेसर है, 8GB रैम एंड 256GB स्टोरेज है, ट्रिपल कैमरा पीछे की तरफ है, आगे 16 मेगापिक्सल का है एंड ऑक्सीजन ओएस है इसके अंदर, विच इज वन ऑफ माय फेवरेट। ओवरऑल दिस इज डेफिनेटली ऑन नंबर 5। एंड हमने जब ये लिस्ट बनाई दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंस दिया परफॉर्मेंस को। एंड पांचवें नंबर पे क्यों है, क्योंकि देयर आर फोन्स विद 865 प्रोसेसर एज वेल। जी हाँ, इसीलिए ये जो है ये पांचवें नंबर पे है। चौथे नंबर पे आता है दोस्तों, अभी भी मुझे बहुत अच्छा लगता है ये ROG फोन 2। इसमें भी क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 प्लस प्रोसेसर आता है, बड़ी स्क्रीन आती है दोस्तों, 6.6 इंच की एमोलेड स्क्रीन आती है, 6000 mAh की बैटरी है, 30W का फास्ट चार्जिंग है। ओवरऑल दिस इज एब्सोल्युटली अ ग्रेट फोन इफ यू आर अ गेमर। इनफैक्ट अगर आप गेमिंग के लिए ही स्पेसिफिकली बाय करना चाहते हो तो बाकी के फोन्स मत देखिए, इट शुड बी ROG फोन 2। जी हाँ, या फिर ROG 2 फोन, दिस इज डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट। लेकिन हमारी लिस्ट पे है चौथे नंबर पे विद टॉप ऑफ द लाइन स्पेसिफिकेशन। और कुछ कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो सिर्फ इसमें हैं, बाकी किसी में भी नहीं है। सोचिए 6000 mAh बैटरी। और हाँ दोस्तों, ये फिफ्थ नंबर का जो फोन है या फोर्थ नंबर का ROG फोन 2 या OnePlus 7T, दोनों की प्राइस 38,000 है एंड आई थिंक इवन टूडे दे आर वर्थ इट। दोस्तों आजकल क्या क्या मिलने लग गया है फोन में। जी हाँ, Realme X2 Pro Qualcomm Snapdragon 855 प्लस प्रोसेसर, 6.55 इंच की एमोलेड स्क्रीन है इसके अंदर, 50W का फास्ट चार्जिंग है, 50W का सोचिए, एंड ओवरऑल 4000 mAh की बैटरी, क्वाड कैमरास है पीछे की तरफ, एंड आई विल टेल यू व्हाट, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी फोन अंडर 40,000, रियलमी X2 Pro। मैं कहूँगा एक ऑलराउंडर है, अगर आपको 35,000 वगैरह आपका बजट है, इनफैक्ट जब ऑफर्स वगैरह होंगे तो आपको 32-33,000 में भी ये मिल जाएगा। 12GB रैम आपको मिलती है, मेरी लिस्ट में डेफिनेटली तीसरे नंबर पे है, शायद ये सेकंड पे भी हो सकता था बट बिकॉज इट इज 855 प्लस प्रोसेसर इसकी वजह से तीसरे नंबर पे है। एंड फाइनली द टॉप 2, जी हाँ, कौन सा है पहले या दूसरे नंबर पे? दूसरे नंबर पे आता है iQOO 3। यस, 6.44 इंच की एमोलेड स्क्रीन है दोस्तों, इसमें 55W का फास्ट चार्जिंग है, 55W सोचिए दोस्तों, इट इज एब्सोल्युटली फास्ट। एंड अगर आप दिखने को वगैरह कहोगे तो ये सही में अच्छा है, मैंने इसका अनबॉक्सिंग फर्स्ट इंप्रेशंस किया हुआ है, जरूर देखिएगा। 865 प्रोसेसर, 5G आपको मिलता है, इवन दो यू कैनॉट यूज इट हियर, 8GB रैम, 128GB स्टोरेज बेस वेरिएंट है, 4G वाला जो एक 4G वेरिएंट है, एक 5G वेरिएंट है इसमें, और जो 4G वेरिएंट है दोस्तों वो आपको 38,990 में मिलता है। एंड आई थिंक आप अगर ऑफर्स वगैरह सब देखोगे तो आपको ये 35,000 के नीचे भी मिलेगा। बहुत सारे ऑफर्स चल रहे थे क्वारंटाइन के पहले, अभी जब क्वारंटाइन खत्म हो जाएगा लॉकडाउन, फिर भी ऑफर्स आने वाले हैं। दिस विल डेफिनेटली बी वन ऑफ द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी 5G स्मार्टफोन्स इन इंडिया, और हमारी लिस्ट पे है सेकंड नंबर पे। और दोस्तों अगर मुझे नंबर 1 चूज करना है तो इट इज़ गोइंग टू बी Realme X50 Pro। जी हाँ, मैं इस्तेमाल करता हूँ इसे, पिछले कुछ दिनों से इस्तेमाल कर रहा हूँ, एंड अगर आप देखोगे सभी स्पेसिफिकेशंस की तरफ तो इट इज़ टॉप ऑफ द लाइन। Qualcomm Snapdragon 865 प्लस प्रोसेसर, 65W फास्ट चार्जिंग, इसका जो बेस वेरियंट है वो आता है 6GB 128GB स्टोरेज है, UFS 3.0 है, 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सेटअप है पीछे की,
तरफ, और आगे आपको डुअल कैमरास मिलता है 32 मेगापिक्सल प्लस सेकेंडरी कैमरा। सो ओवरऑल स्पेसिफिक LPDDR5 रैम है पहले और दूसरे, मतलब iQOO 3 में भी है और रियलमी X50 Pro में भी है। ओवरऑल इट इज़ डेफिनेटली क्वाइट फास्ट एंड रियलमी UI आता है आउट ऑफ द बॉक्स विच इज़ बेस्ड ऑन Android 10। ओवरऑल अगर स्पेसिफिकेशंस के पास आप देखोगे, द प्राइस ऑफ दिस इज 39,999, मतलब 40,000 का ही है ये, बट रियली ग्रेट फोन एंड हमारी लिस्ट में नंबर 1 पे है डेफिनेटली। दोस्तों अब देखना है कि जब ये वन प्लस 8 सीरीज आएगी, बहुत ही जल्दी आने वाली है, तो क्या होने वाला है, क्या वन प्लस 8 वगैरह 40,000 के नीचे होगा। आई रियली होप एंड क्रॉस माई फिंगर्स कि 40,000 के नीचे हो वन प्लस 8, और अगर हो गया तो मेरे हिसाब से ये जो लिस्ट है वो चेंज हो जाएगी, वन प्लस 8 सबसे ऊपर आ जाएगा, लेकिन जब आएगा तब देखेंगे। अभी के लिए दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा लाइक करना मत भूलिए। अगर आपकी रैंकिंग कुछ भी अलग है जो मैंने बताई है और आपकी रैंकिंग अलग है तो नीचे कमेंट्स में जाके ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग।